तो दोस्तों इस हेयर स्टाइल को बनाने के लिए सबसे पहले आप सेक्शन निकालेंगे। हमने निकाला है ईयर टू ईयर पार्टिंग और सेंटर पार्ट निकाला हुआ है। उसके बाद से ईयर टू ईयर के पीछे हम यहाँ पे सेक्शन निकालेंगे और यहाँ पे हम करेंगे बैक कॉम। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हमने सेक्शन निकाला और इसके अंदर हमने बैक कॉम किया है। सेंटर पार्ट में हम मांग टीका लगाएंगे, बोई पिन की हेल्प से इसको अच्छे से पिन किया हुआ है। पीछे के जितने बचे हुए बाल थे उनको पोनी बनाया हुआ है, हाई पोनी बनाया हुआ है। और उसके बाद से हम बोई पिन लगा रहे हैं पोनी के चारों तरफ। तो ऐसे चारों तरफ आप बोई पिन लगा लेंगे, अच्छे से बोई पिन लगाना है। जैसे कि अभी आपने देखा हमने चारों तरफ अच्छे से बोई पिन लगाया हुआ है, ठीक ऐसे ही बोई पिन लगाना है। उसके बाद ये डोनट स्टफिंग लगाएंगे, तो पोनी के अंदर ये डोनट स्टफिंग को डालेंगे। तो ये हमने डाल दिया। उसके बाद से हम जूड़ा पिन की हेल्प से अच्छे से इसको पिन कर देंगे। क्योंकि ब्राइडल आप हेयर स्टाइल बना रहे हैं तो चुन्नी भी हैवी होती है, तो इसके वजह से हम यहाँ पे बेस हमने हैवी बनाया हुआ है ताकि जो अगर चुन्नी हम इसके ऊपर रखें तो वो स्लिप ना हो, निकले नहीं। उसके बाद से पोनी को टू पार्ट में डिवाइड करके और जो डोनट स्टफिंग है इसको हाइड करेंगे। तो सेक्शन के नीचे हमने बैक कॉमिंग किया है ताकि अच्छे से स्प्रेड हो जाए हेयर, अच्छे से कॉम करेंगे। और ये डोनट स्टफिंग को हमने हाइड कर दिया। उसके बाद से हमने यहाँ पे रबर बैंड लगाया हुआ है। उसके बाद से ये जो चारों तरफ से बाल थे इनको एक तरफ लेके जाएंगे और इसको ट्विस्ट करके बॉबी पिन से इसको सेट करेंगे। तो ये हम यहाँ पे ट्विस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जूड़ा पिन डाल रहे हैं। तो जूड़ा पिन या फिर आप बॉबी पिन से अच्छे से सेट कर सकते हैं। फ्रंट का जो हमने ईयर टू ईयर का सेक्शन जो छोड़ा हुआ था अब इसके अंदर काम करेंगे। सबसे पहले हमने नीचे से सेक्शन स्टार्ट किया हुआ है और बचे हुए बालों को ऊपर की तरफ रेस्ट कराया हुआ है। तो नीचे के बालों के अंदर हम कर्ल कर रहे हैं। जो कर्लिंग मशीन है ये 25 mm की कर्लिंग मशीन है। तो जैसे हम यहाँ पे रोल कर रहे हैं ठीक ऐसे ही आपने भी रोल करना है। फिर उसके बाद से हमने कॉम्ब किया हुआ है, हल्का सा हमने कॉम्ब किया हुआ है। कॉम्ब करने के बाद स्प्रेड किया हुआ है। स्प्रेड करने के बाद जो पीछे के बचे हुए बाल थे इनको हमने दोबारा से राउंड कर दिया है और इसको हम यहाँ पे बॉय पिन से पिन करेंगे। यहाँ पे हम बॉय पिन से पिन करेंगे। उसके बाद से अगर आपको लग रहा है कटेड हेयर बाहर की तरफ निकल रहे हैं या फिर छोटे बड़े बाल बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो आप उसको सेट करने के लिए स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। जो मैं स्ट्रॉन्ग स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ ये शॉस्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक और सेक्शन लिया हुआ है और इसके अंदर भी हम 25 mm की कर्लिंग मशीन से कॉइल करें, ठीक जैसे हमने पहले किया था ठीक ऐसे ही कॉइल करना है। तो ये हमने कॉइल कर दिया हुआ है। उसके बाद से हम हल्का सा स्प्रेड करेंगे सेक्शन को आगे की तरफ से, हल्का सा स्प्रेड करना है। उसके बाद से अगर छोटे बड़े बाल अगर बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो आप उसको सेट करने के लिए स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे और पीछे के जो रोल हुए बाल हैं उसको अच्छे से पिन कर देंगे। उसके बाद से हमने एक और सेक्शन लिया हुआ है, इसके अंदर भी दोस्तों सेम ऐसे ही करना है। और दोस्तों हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप बेशक मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9911418347, स्क्रीन के ऊपर आ रहा है नंबर, तो आप इसी नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो। और दोस्तों हमारे दिल्ली और कोलकाता में भी क्लासेस होती है, अगर आप दिल्ली से हैं या फिर कोलकाता से हैं और ये वीडियो आप देख रहे हैं, अगर क्लास आप करना चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पर डिटेल ले सकते हैं। और दोस्तों आप सभी को पता है यूट्यूब पर हमारी ओनली वीडियोज़ आते हैं, मगर फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमारी हेयर स्टाइलिंग के फ़ोटोज़ क्लासेस के अपडेट आते रहते हैं, तो आप वहाँ पर ही फॉलो कर सकते हैं। हमारे सेम इसी नाम से मैजिक टेक्निक्स पर चंद्र प्रकाश पटेल के नाम से फॉलो कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नाम आ रहा है, इसी नाम को सर्च बॉक्स में डाल के आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि स्टेप बाय स्टेप हमने इस स्टाइल को बताया हुआ है, ठीक ऐसे ही आपने भी ये स्टाइल बनाना है। अब ये ब्राइडल हेयर स्टाइल है तो ब्राइडल में पीछे तो आप ब्राइडल चुन्नी रखते हैं, तो इस वजह से आप जो स्टाइलिंग करते हैं वो फ्रंट के पोर्शन में ही करते हैं। जो ईयर टू ईयर का पार्ट होता है इसी के अंदर ही आप ब्राइडल हेयर स्टाइल करते हैं। तो अभी हमने सेक्शन निकाला हुआ है, इसके अंदर हमने बैक कॉम किया हुआ रूट के ऊपर और बैक कॉम करने के बाद पीछे ले जाकर इसको पिन किया हुआ है। फिर हमने एक और सेक्शन लिया है,
और इसको हम रूट पे वॉल्यूम देने के लिए, बाउंस देने के लिए हमने कॉइल किया हुआ है, उसके बाद से लेंथ पे हम कॉइल करेंगे। तो ऐसे कॉइल करना है। और ये दोस्तों 25 mm की कर्लिंग मशीन है, जो आप इसके अंदर रिजल्ट देख पा रहे हैं, ये 25 mm की कर्लिंग मशीन से रिजल्ट मिल रहा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई छोटे बड़े बाल बाहर निकल रहे हैं, उसको सेट करना है, तो आप स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करें, कोई नॉर्मल हेयर स्प्रे बिल्कुल ना यूज़ करें। और अगर छोटे बाल हैं फ्रंट के, तो ये स्टाइल काफ़ी अच्छा है बनाने के लिए। अगर बड़े बाल हैं तो उसको बॉल पिन से पिन करना पड़ेगा पीछे, जैसे हम पिन कर रहे हैं, और छोटे बाल हैं तो काफ़ी ईजी हो जाएगा ये स्टाइल बनाना। तो जैसे कि हमने सेक्शन लिया हुआ है, आप बस रूट पे आप वॉल्यूम देंगे, जिससे कि एक स्टाइलिंग फ्रंट की उभर के आएगी। और लेंथ है उसको कॉइल करना है, क्योंकि एक्स्ट्रा हेयर है, तो ऐसे ऐसे हम कॉइल कर रहे हैं। कॉइल करने के बाद हम इसको पीछे की तरफ ले जा कर पिन करेंगे। तो स्प्रे भी यूज़ करना है साथ के साथ, ताकि अच्छे से ये स्टाइल भी सेट हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। बॉय पिन से पिन करना है दोस्तों, अच्छे से बॉय पिन से पिन करेंगे। उसके बाद हमने एक और सेक्शन लिया हुआ है, इसके अंदर भी आप रूट पे ही वॉल्यूम देंगे, ताकि एक चिपका चिपका लुक ना आए, बिल्कुल चिपका हुआ जो लुक होता है वो ना आए, उसके अंदर एक वॉल्यूम मिल जाए। तो इस वजह से आप रूट पे वॉल्यूम देंगे, जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा ऐसे करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ब्राइडल हेयर स्टाइल है, तो इस वजह से आप ब्राइडल में ऑप्शन नहीं रहता ज़्यादा, बस फ्रंट पे ये स्टाइलिंग कर सकते हैं। और पीछे आप अगर चुन्नी रखते हैं तो फ्रंट पे ये स्टाइल करेंगे। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप जैसे बताया गया, आप ऐसे ही फॉलो करके स्टाइल को बना सकते हैं। और फ्रंट पे अगर आपके क्लाइंट के छोटे बाल हैं, तो भी आप ये हेयर स्टाइल को बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ज़्यादा लंबे बाल हैं तो आप जो एक्स्ट्रा हेयर होंगे उसको बॉय पिन से पिन करेंगे, जैसे कि हमने पिन किया हुआ है। उसके बाद से अब जो दूसरी साइड का जो सेक्शन बचा हुआ था, इसके अंदर हम वर्टिकल सेक्शन लेके कॉइल करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सीधा सीधा सेक्शन लेंगे, लंबा लंबा सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन लेंगे। और सेम वही कर्लिंग मशीन से मैं कॉइल कर रहा हूँ, 25 mm की कर्लिंग मशीन से। फिर हमने एक और सेक्शन लिया है, इसके अंदर भी सेम कॉइल करने से पहले हमने अच्छे से कॉम किया हुआ है, और उसके बाद हम रोल कर रहे हैं कर्लिंग मशीन के साथ। तो जब भी आप बैक कॉम करने जाते हैं, या स्प्रेड करने जाते हैं, या फिर कोई मशीन वर्क यूज़ करने जाते हैं, तो सबसे पहले सेक्शन को अच्छे से कॉम करना है, टेंगल फ्री करना है, उसके बाद ही आप जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद से जो लास्ट का सेक्शन है, इसके अंदर भी हम सेम वैसे कॉइल करेंगे। और फ्रंट में अगर आपको कॉइल चाहिए तो आप सेक्शन छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा सेक्शन छोड़ेंगे, जिसको आप फ्रंट में कॉइल कर सकते हैं। तो ये हमने सेक्शन में अच्छे से कॉइल कर दिया है। उसके बाद से हमने ट्विस्ट किया हुआ है, और उसके बाद से हम पुश करेंगे ऊपर की तरफ, ये हमने पुश किया हुआ है, और पुल करेंगे, जिससे कि इसके अंदर वॉल्यूम नज़र आए। जैसे कि अभी हमारा दूसरी साइड में वॉल्यूम नज़र आ रहा है, तो ये साइड भी चिपका चिपका ना नज़र आए। इस वजह से हमने यहाँ पे कॉइल करके, हमने यहाँ पे पुल किया है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, कि एक साइड हमारा चिपका हुआ लुक ना है। इस वजह से हमने ये लुक को क्रिएट किया हुआ है। और दोस्तों, अगर आपको कुछ भी पूछना हो बेचक, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9911418347, तो मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और क्लासेस के लिए भी, आप अगर क्लासेस करना चाहते हैं, डिटेल लेना चाहते हैं क्लासेस के, तो भी आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हमने सबसे पहले पीछे वाले सेक्शन को पिन किया, उसके बाद से आगे वाले सेक्शन को, सबसे आगे वाले को लास्ट में हमने यहाँ पे अच्छे से पिन करना है। तो जस्ट हमने यहाँ पे बॉय पिन से पिन किया है, जूड़ा पिन यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे बॉय पिन यूज़ करना है। अगर आप इसके अंदर चाहते हैं थोड़ा सा लाइन क्रिएट करना, तो आप यहाँ पे जूड़ा पिन की हेल्प से आप यहाँ पे लाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। फिंगर टिप का इस्तेमाल करते हुए आप वहाँ पे थोड़ा सा पिंच करेंगे हेयर को, और वहाँ पे आप जो लाइंस जब आ जाएगी, तो उसके अंदर क्या करना है, बस आप जूड़ा पिन वहाँ पे रख देंगे, और स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करना है
ताकि वो अच्छे से वहीं के वहीं सेट हो जाए। तो ऐसे ही करना है। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है, हमारे सिखाने का तरीका कैसा लगता है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप कमेंट करते हैं। तो काफ़ी सारे लोग वीडियोस देखते हैं मगर कमेंट नहीं करते, मगर व्हाट्सएप पे बोलते हैं कि मैं आपकी वीडियो लाइक करती हूँ, पसंद करती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन है, उसके अंदर भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आती है लाइक करिए, कॉमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो हेयर स्टाइलिंग सीखते हैं या फिर सीखना चाहते हैं, उनके साथ भी ये शेयर कर सकते हैं। और अभी तक आपने फॉलो नहीं कर रखा है तो फॉलो भी करिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइए, ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले मिल जाए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रंट में कर्ल करने के लिए आपको पहले सेक्शन छोड़ना पड़ेगा, तो हमने सेक्शन छोड़ा हुआ था। और ये जो मैं कर्लिंग मशीन यूज़ कर रहा हूँ, ये 10 mm की कर्लिंग मशीन है। तो आप 10 mm की कर्लिंग मशीन से ऐसा कर्ल कर सकते हैं फ्रंट के ऊपर। तो आपको ये हेयरस्टाइल कैसा लगा दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और आप कौन सी जगह से मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।